हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले समर सीजन के काफ़ी सारे सीड ग्रो किए थे, उनमें से कुछ की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। मेरे सारे ही सीड ग्रो हो गए थे, अच्छी पौध तैयार हो गई थी, लेकिन आजकल मेरा वर्किंग टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि मैं अपने प्लांट्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ और मेरी सारी ही सैपलिंग्स सूख गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं दोबारा सीड तो नहीं ग्रो करती हूँ, तो अब मैं कुछ बल्ब वाले प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि बल्ब से ग्रोन प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कई दिन पानी ना भी दें तो भी ये चल जाते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने कुछ बल्ब की ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से बल्ब ऑनलाइन बाय किए हैं, ये किस रेट में मुझे मिले हैं और किस साइट से मैंने बाय किया है। सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो बल्ब बुलाए हैं, पहले तो देखिए ये बॉक्स पहले से ही अनबॉक्स हो चुका है, क्योंकि घर पे जिसने भी ये पार्सल रिसीव किया होगा उसे बहुत जल्दी थी कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो वो पहले ही इसे साइड से ओपन करके देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पैकेजिंग भी कितनी अच्छे से की गई है। अच्छे से बॉक्स को मजबूत करने के लिए इस पर काफ़ी सारा टेप भी लगा दिया गया है, तो बल्ब बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए होंगे। और फ्रेंड्स, जिनसे मैंने ये बल्ब बाय किए हैं ये काफ़ी जेन्युइन सेलर हैं, क्योंकि मैं 3 ईयर से इनसे सीड परचेस कर रही हूँ और इनके जो सीड होते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही चीप रेट में ये बहुत अच्छे सीड देते हैं। इनके सीड का जर्मिनेशन 80 to 100% मिल जाता है, और जब भी इनसे सीड बाय करो तो ये कोई ना कोई सीड हमें गिफ्ट पे ज़रूर ही देते हैं। खैर, मैंने इनसे बल्ब फर्स्ट टाइम बाय किया है, लेकिन जब ये सीड अच्छे देते हैं तो इनके बल्ब भी अच्छे होंगे, मैं श्योर हूँ। और ये काफ़ी चीप रेट में मुझे मिल गए हैं। ये स्पीड पोस्ट से या पोस्ट ऑफिस के द्वारा मतलब हमें ये पार्सल सेंड करते हैं, तो डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो अब मैं फटाफट से इन सारे बल्ब को अनबॉक्स कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो यहाँ से वैसे भी ओपन है, तो मैं यहीं से इसे ऐसे ही कट करके और साइड से सारे बल्ब को निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से इसे न्यूज़पेपर में हर बल्ब को सेपरेट पैक किया गया है, और बल्ब डैमेज ना हो इसलिए बॉक्स में एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर भी डाल दिए गए हैं, यानी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की है। तो मैं सारे बल्ब को निकाल लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने सारे बल्ब को निकाल लिया है। अब हम इन्हें ओपन करके देखते हैं कि किस में कौन सा बल्ब है और ये बल्ब आखिर आए कैसे हैं। तो ये जो पहला बल्ब है ये है अमेज़ॉन लिली का बल्ब। तो जैसे रेन लिली के बल्ब होते हैं बिल्कुल ये वैसे ही है, सिर्फ साइज़ इसका बड़ा है। और आप देख रहे होंगे कि इस पर ये स्प्राउटिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो ये बल्ब बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्प्राउटिंग है। और फ्रेंड्स, इसके जो फ्लावर होते हैं ये बिल्कुल नरगिस के फ्लावर की तरह होते हैं, इसलिए मैंने इसे बाय किया है और ये मुझे 25 रुपीज़ में पड़ा है। और ये नेक्स्ट बल्ब है, ये देखिए आपको बिल्कुल जिंजर की तरह दिख रहा है ना, तो ये जिंजर नहीं है, ये जिंजर लिली के बल्ब हैं। ये जिंजर की तरह दिखते हैं इसलिए इन्हें जिंजर लिली कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये बल्ब कितने ज़्यादा बड़े साइज़ का है, काफ़ी बड़े साइज़ का बल्ब है। तो जैसे हम जिंजर को अलग अलग छोटे छोटे पीस करके ग्रो करते हैं ना, ये वैसे ही ग्रो हो जाएगी, यानी ये इतने बड़े साइज़ का बल्ब है कि इससे 3 प्लांट तो ईजीली बन जाएंगे। देखिए, और इस पर आई पॉइंट भी निकलना शुरू हो गए हैं, ये जगह जगह से इस पर आई बर्ड्स आ गई है, तो इससे 3 प्लांट बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये इतने बड़े साइज़ का बल्ब है और ये बल्ब मुझे ओनली 30 रुपीज़ में मिला है। काफ़ी हेल्दी बल्ब है, आप देख ही रहे हैं। तो मैं इन सारे बल्ब को ग्रो करूँगी, तो उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब हम ये नेक्स्ट पैकेट ओपन कर लेते हैं। इसमें तो कैलेडियम के बल्ब होंगे, क्योंकि मेरे पास कैलेडियम की एक ही वैरायटी थी जो कॉमन वैरायटी होती है, और इसके कलर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, चीप रेट में भी थे, तो मैंने कैलेडियम के 4 बल्ब ऑर्डर किए थे। तो ये देखिए, ये कैलेडियम के बल्ब भी कितने हेल्दी हैं, काफ़ी हेल्दी बल्ब हैं, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं हुए हैं। और ये बल्ब ख़राब ना हो इसलिए सारे बल्ब में ना फंगीसाइड पाउडर भी लगा हुआ है, ये देखिए वाइट कलर का फंगीसाइड पाउडर भी लगा है। तो ये काफ़ी हेल्दी बल्ब हैं और इनमें से भी ये आई पॉइंट निकलना शुरू हो गए हैं, तो ये बल्ब भी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो कैलेडियम के बल्ब मुझे 25 रुपीज़ ईच पड़े हैं, तो ये 4 बल्ब हैं, तो ये 100 रुपीज़ में मिले हैं। इस तरीके से जो मैंने ये सारे 6 बल्ब बुलवाए हैं, अमेजॉन लिली, जिंजर लिली और कैलेडियम, ये 135 रुपीज़ में पड़े हैं। और डिलीवरी चार्ज वेट के अकॉर्डिंग होता है, तो डिलीवरी चार्ज मुझे 50 रुपीज़ लगा है, यानी टोटल शॉपिंग 185 रुपीज़ की है। यही बल्ब आप अदर साइड से बाय करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ के नीचे कोई भी बल्ब नहीं मिलते हैं। मैंने भी ऑनलाइन सर्च किया है, सारे बल्ब 50 to 80 रुपीज़ में होते हैं और उनका डिलीवरी चार्ज भी मिनिमम 90 to 100 रुपीज़ होता है। तो काफ़ी चीप रेट में काफ़ी अच्छे से बल्ब मिल गए हैं। तो आप भी इन बल्ब को या फिर वेजिटेबल्स या हर्ब के सीड्स बाय करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेलर्स का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगी। आप इनके व्हाट्सएप पे कैटलॉग मांग सकते हैं और फिर अपने पसंद के अकॉर्डिंग सीड्स और बल्ब बाय कर सकते हैं। बल्ब्स की भी इनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पहले से बल्ब हैं, जैसे फुटबॉल लिली, रजनीगंधा, अमरेलियस लिली, इसलिए फिर मैंने बाकी बल्ब बाय नहीं किए हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, इसके इन सारे बल्ब को लगाने का वीडियो मिस मत करिएगा, मैं जल्द ही वो वीडियो अपलोड करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।